नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्नोलॉजी न्यूज़ चैनल टेक्नोडेट प्रेरक। सो आज जो मैं बात करने जाने वाला हूँ, टेक्निकल न्यूज़ का बात करते हैं तो इंटेल का कंपटीटर जो है एएमडी, वो अभी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सीपीयू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। राइजन सीरीज का सीपीयू जो है 3900X वो इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में, और इंटेल का जो प्रोसेसिंग पावर है ऑलमोस्ट सिमिलर पावर जो इंटेल $200 में दे रहा है, वो सेम प्रोसेसिंग पावर ऑलमोस्ट सेम आपको $500 में मिलेगा। तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको CPUs और कंप्यूटर्स काफी सस्ते मिलेंगे। इंटेल का प्राइस हाइक का जो एक मेन रीजन है, प्रोडक्शन है, वो 14 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी पर है, कॉस्ट का इंक्रीज करने का फैक्टर बना देता है। और ये जो मैं प्रोसेसर का बात कर रहा हूँ, वो इंटेल का i9 जो लेटेस्ट सीरीज जो प्रोसेसर है, स्काईलेक का 9980 सीरीज का जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप उसका नॉट ओनली प्रोसेसिंग पावर, उसका पावर कंज्यूमेशन भी देखेंगे तो जो एएमडी का प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर $500 कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, लेकिन जो पावर कंज्यूमेशन है वो भी काफ़ी लेस है। ये जो प्रोसेसर है एएमडी का, वो रफली 105 वॉट कंज्यूम करता है, वेरस इंटेल का जो ये स्काईलेक प्रोसेसर है वो 165 वॉट कंज्यूम करके आपका जो पावर कंज्यूमशन है वो भी इंक्रीज कर देता है। ये जो टफ कंपटीशन है मार्केट में, वो डेफिनेटली इंटेल को प्राइस डिक्रीज करने के लिए फोर्स करेगा, और जल्दी ही हम लोग शायद लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसका प्राइस स्लैश होता हुआ दिखाई देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट जो है वो एप्पल की तरफ से। एप्पल ने रिसेंटली बीटा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया iOS 13 और कैटलिना 10.15 के लिए। दोनों OS, जो iOS 13 है वो मोबाइल के लिए है, आपका आईफोन के लिए है। एप्पल का जो मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस, WDC कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, उसमें आईपैड के लिए एक सेपरेट iOS का भी प्रोडक्शन किया। सो iOS जो है वो डेडिकेटेड टू iPad है, जिसमें काफ़ी सारे एनहांसमेंट मिले हैं। अगर आपको iOS के अलावा iPad के जो OS है उसके अनाउंसमेंट के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं एक अलग से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। iOS 13 को अपडेट करना चाहते हैं बीटा प्रोग्राम में तो डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हैं। आज ही मैंने मेरा जो आईफोन है उसको iOS 13 पर अपडेट कर दिया। डार्क मोड के अलावा उसके जो फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें नेटिव वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का अनाउंसमेंट है, प्लस उसमें जो शॉर्टकट वॉइस कमांड से मल्टीपल कंट्रोल कर पाते हैं आपके होम को, जो वाईफाई से कनेक्टेड है, स्मार्ट होम जिसको बोलते हैं, वो एनहांसमेंट किए। उसके अलावा सिक्योरिटी अनाउंसमेंट है और काफ़ी सारे फीचर है। और मैक ओएस कैटलिना का बात करें तो अगर आप डार्क मोड इनेबल करते हैं तो डे का जो टाइम रहेगा अकॉर्डिंगली आपका ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और डार्क मोड आपको नाइट में मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर। और अगर एप्पल का बात करें तो जॉनी, एप्पल का डिज़ाइन का मेन की पर्सन था, ही इज़ लिविंग द एप्पल। उसने एप्पल जब छोड़ा, उसका इफेक्ट ऐसा आया कि एप्पल का जो स्टॉक प्राइस है वो 1.5% डिक्रीज हो गया, जो एप्पल को $1 बिलियन का कॉस्ट देकर गया। ये जो जॉनी है, उसने एप्पल का जो आईमैक और एप्पल के आईफोन है उसका डिज़ाइन में बहुत ही बड़ा उसका योगदान था, ये टिम कुक ने खुद बताया। नॉट ओनली दैट, एप्पल ने जो अभी कैलिफोर्निया में एप्पल का पार्क बनाया उसमें भी ये पर्सन ने बहुत ही डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही उसका बड़ा योगदान था। एप्पल बता रहा है कि ये पर्सन अभी एप्पल के बोर्ड में नहीं है, बट जो मेजर प्रोजेक्ट रहेंगे एप्पल के उसमें वो कंसल्टेंसी देगा और उसका जॉब, उसका सर्विसेज वो कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट जो एप्पल का अपडेट है, वो एप्पल अभी उसके जो मैक प्रो है अभी तक वो US में ही एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन हो रहा था। अभी चाइना और US के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट ट्रेड वॉर, जो मैक प्रो है वो एप्पल शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है चाइना में। सो अभी जल्दी ही शायद एप्पल के जो मैक प्रोज है जो अभी एक्सक्लूसिवली US में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो चाइना में सरप्राइजिंगली प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेंगे।
कब स्टार्ट होगा वो कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। इस वर्ड टू नोट के काफ़ी फ़ोन एप्पल चाइना में ही प्रोडक्शन करता था। एक्सक्लूसिवली चाइना वॉज द मेन हब टू प्रोड्यूस द एप्पल आईफोन सीरीज। रिसेंटली एप्पल ने अनाउंस किया कि ये जो प्रोडक्शन है वो चाइना से आईफोन का स्पेसिफिकली प्रोडक्शन वो शिफ्ट करके मलेशिया या इंडिया में उसका प्लान है। ऑलरेडी आईफोन 6S और आईफोन SE ऑलरेडी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अभी जो लेटर सीरीज के जो आईफोन 10R और 10X सीरीज के जो फ़ोन है शायद वो भी प्लान कर रहा है एप्पल आउटसोर्स आउट ऑफ चाइना प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया को वो लुकअप कर रहा है। अगर इंडिया में आ गया तो बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, फंड आएगा और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सो दोस्तों होपफुली आपको ये टेक सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एज यूजुअल लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइस टेक केयर, सी यू देन, बाय बाय।